हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 6 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। जो आज की हमारी पहली न्यूज आई है वो आई है टाइफून के बारे में। तो टाइफून देखो एक साइक्लोन है। पहले चीज़ तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो साइक्लोन होते हैं इनको अलग अलग एरियो में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कौन से एरिया में टाइफून कहते हैं, कहाँ इनको साइक्लोन के नाम से जानते हैं और कहाँ इनको हरिकेन या अलग अलग नामों से आपने सुना होगा, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये कि जो साइक्लोन होते हैं ना, ये होते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात यहाँ पे की जा रही है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि पैसिफिक ओशियन में जो यहाँ पे साउथ चाइना सी वाला यह जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसमें इसको जानते हैं टाइफून नाम से। मतलब पैसिफिक ओशियन का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे अगर कोई भी टाइप के साइक्लोन आ रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन की बात की जा रही है, तो उनको हम टाइफून के नाम से जानेंगे। फिर अगर इंडियन ओशन में साइक्लोन आते हैं उष्ण कटिबंधीय, उनको हम जानते हैं साइक्लोन के नाम से ही। और फिर अगर हम बात पे यहाँ पे करें अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ पे इनको हरिकेन नाम से जानते हैं। और जो अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन में, यूएसए के जो कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी इनको हरिकेन के नाम से ही जानते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो है क्या और कहाँ कहाँ आते हैं। चलो आप एक चीज़ ये बताओ कि जो इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं या नहीं आते? देखो जो एकदम इक्वेटर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जनरेट नहीं हो पाते हैं, ये ध्यान रखना। इधर उधर से आना एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे साइक्लोन जनरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है एक तो कि भाई जो सी सरफेस है इसका टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 27 डिग्री। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है कोरेलिस फोर्स। और आपको पता है कि जस्ट इक्वेटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोरेलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जनरेट नहीं हो पाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। खैर अब हम चलते हैं हमारी आर्टिकल की तरफ। आज यहाँ पे डिस्कस या आज जो न्यूज़ आई है वही है टाइफून कमरी के बारे में। टाइफून कमरी है आया कहाँ पे है, ये देखो आया है फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ पे है? टाइफून नाम आते ही आप समझ जाओगे कि इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, और फिलीपींस है लगभग इधर वाले हिस्से में। और यहाँ पे ये साइक्लोन आया है, इसका नाम रखा गया है कमरी। देखो इस बार अगर हम बात करें तो फिलीपींस में काफ़ी सारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आए हैं, तो उसमें एक का नाम रखा गया है कैमूरी, जो अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं। कहाँ पे आए? चाइना सी रीजन में, या आप इसे बोल सकते हो इस वाले बेल्ट के अंदर, कि भाई यहाँ पे ये आया है। अब अगर हम और बात करें कि जो टाइफून साइक्लोन है ये कहाँ जनरेट होते हैं और कौन कौन से एरिया में, तो देखो मेनली इन साइक्लोन का जो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा जो असर होता है वो होता है जून से लेके नवंबर के बीच में। इसके बाद में थोड़े बहुत हैं दिसंबर में भी आ जाते हैं, कई बार मई वाले महीने में भी आते हैं, जैसे जापान वाले बेल्ट में, फिलीपींस में, चाइना में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे हैं। जो यहाँ पे हमने लोकेशन डिस्कस की थी, सॉरी वो तो यहाँ थी फिजी की लोकेशन। जो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिलीपींस, तो फिलीपींस यहाँ पे ये रहा, ये तो फिजी की लोकेशन थी। तो आप थोड़ा वो माइंड में पे वो चेक कर लेना एक बार। अब हम चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए वैसे तो 5 कंडीशन है। अब वो किसी बुक्स में आपको 6 मिल जाएंगे, किसी में 7, किसी में 8, बट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक तो सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कोरलिस फोर्स। ये कोरलिस फोर्स होना चाहिए और सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री होगा तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन होती हैं कि जैसे कि जो वर्टिकल विंड स्पीड होती है, वर्टिकल विंड स्पीड मतलब जैसे हवा या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो होगा ना वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो इसकी जो विंड की स्पीड है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे एक और दिया गया है कि देखो ये प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, की लो प्रेशर एरिया होना चाहिए इसके बाद में साइक्लोन है वो आते हैं। या फिर यहाँ पे दिया गया कि अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम। तो देखो इस तरीके तो आपको काफ़ी सारे फैक्ट हैं वो मिल जाएंगे, बट अगर आप एग्जाम में आंसर राइटिंग या कुछ भी लिख रहे हो तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि सी सरफेस का टेम्परेचर और कोरलिस फोर्स है, इन्हीं के प्रेजेंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आ सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड सोयल डे के बारे में। क्या है वर्ल्ड सोयल डे वो हम देख लेते हैं। देखो हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे है वो मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 60 है जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की, उस दौरान इसको डिसाइड किया गया था 2013 में कि भी हर साल 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सोयल डे है वो मनाए जाएंगे। तो देखो इस बार जो सोयल डे है, वर्ल्ड सोयल डे, इसकी थीम रही है स्टॉप सोयल इरोजन एंड सेव आवर फ्यूचर। अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूएन की क्या एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
इसका मोटो क्यों है, क्यों इसको मतलब वर्ल्ड सोयल डे को मनाया जाता है, तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ पे फोकस करती है कि एक तो जो हेल्दी सोयल है ना, इसकी इंपॉर्टेंस पे फोकस किया जाए लोगों का। इसी के साथ ही जो आज के टाइम पे लैंड डिग्रेड हो रहा है या सोयल की जो क्वालिटी खराब होती जा रही है, इसकी तरफ फोकस किया जाए। और ऐसे ऑप्शन से आप बोलो कि इस तरीके की मैकेनिज्म लानी चाहिए कि सोयल इरोजन या सोयल जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं इनको वापस से रिकवर किया जाए, क्योंकि देखो सोयल एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि फिनोमिना या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वो इसी से रिलेट होती हैं, चाहे आप खाना पीना हो किसी भी चीज़ को, तो अगर सोइल ही ख़राब हो जाएगी तो फिर हर चीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। और आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो यहाँ पे सोइल इरोजन या सोइल के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है ईट राइट स्टेशन के बारे में। देखो गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, पहले उसे डिस्कस करते हैं, ईट राइट मूवमेंट। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो ईट राइट मूवमेंट का टारगेट ये था कि ईट राइट मतलब जो सही खाना है वो हमें खाना है, इस मूवमेंट की तरफ फोकस किया गया था। देखो हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, या कई बार लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हैं क्योंकि लोगों को खाने का पता नहीं होता कि कौन सी डाइट हमें खाने में इंक्लूड करनी है। तो इन सब चीज़ों को, या फिर जो हम बात करें कि जो हाई फैट वाले आइटम्स होते हैं जिन्हें फास्ट फूड के नाम से, जैसे फास्ट फूड होता है या जंक फूड हो गया, जिनमें बहुत ज़्यादा कैलरीज होती हैं, फैट बहुत ज़्यादा होती है, सेचुरेटेड फैट भी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांस फैट भी, तो उन चीज़ों के कंजप्शन को कम करने के लिए, जैसे कि बर्गर पिज्ज़ा जैसी चीज़ें, इनको तो ये मूवमेंट ये चीज़ पे फोकस करती है कि भाई जो अच्छा हेल्दी खाना है ना उसको खाने की तरफ फोकस किया जाए, ना कि ये जो फालतू के उटपटांग आइटम है इनकी तरफ। इसका मेन टारगेट ये था कि आगे आने वाले 3 सालों में शुगर, सॉल्ट और जो ऑयल कंजप्शन है ना इसको 30% डिक्रीज करना है, क्योंकि देखो फास्ट फूड में इन्हीं 3 आइटम का ज़्यादा यूज होता है, तो इनकी अगर मात्रा कम हो जाएगी तो डायबिटीज़ या फिर और भी जो काफ़ी सारी गंभीर बीमारी हैं इनसे हम बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस रहा था ईट राइट मूवमेंट की तरफ। क्या इन फोकस है कि इंगेज एंड इनेबल सिटीजन्स, की लोगों को इंगेज करना इस चीज़ के लिए, लोगों को इनेबल करना कि भाई वो अपनी हेल्थ की तरफ अवेयर हो, क्या उन्हें खाना है, राइट फूड चॉइस है उसकी तरफ फोकस किया जाए, इसके लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट है वो किया गया था। इसके लिए गवर्नमेंट है वो लोगों का बिहेवियर चेंज करने की तरफ फोकस कर रही है। बिहेवियर चेंज कैसे? क्योंकि देखो गवर्नमेंट है वो, आपको पता है कि अभी जो ट्रांस फैट वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा फैट के आइटम्स होते हैं, उन पे बहुत टैक्स भी ज़्यादा लगा के रखती है, या फिर उनको मतलब डीप एक तरीके से प्रमोट नहीं करती है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे की तरफ रखा जाता है कि वो बच्चों को ना खिलाए जाएं ताकि उनकी हेल्थ वगैरह ख़राब ना हो, तो गवर्नमेंट एक तरीके से उनको मतलब प्रमोट नहीं कर रही है। तो लोगों का थोड़ा बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपनी हेल्थ की तरफ प्रिवेंटेटिव जो एक्शंस हैं वो लें, ताकि जो भी सोशल और फिनोमिना है उनको काउंटर करते हुए हेल्थ को सुरक्षित है सुनिश्चित है वो किया जा सके। तो ये तो था ईट राइट मूवमेंट। अब देखो जो ईट राइट मूवमेंट था ना, इसी के तहत क्या हुआ है कि मुंबई सेंट्रल का जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे एक स्टॉल या बोल सकते हो कि वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट किया है, उस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन तैयार किया गया है। मतलब वहाँ पे जो भी खाना मिलेगा वो हेल्दी रहेगा, फास्ट फूड जैसी या काफ़ी जो खतरनाक चीज़ें हैं उनको, अब खतरनाक का मतलब यहाँ पे यह है कि जिनमें जंक फूड हो गया या फिर जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती हैं उन चीज़ों को वहाँ पर बेचा है वो नहीं जाएगा। तो ईट राइट स्टेशन एक कैंपेन का ही पार्ट है, ईट राइट इंडिया कैंपेन का ही, जो कि FSSAI के द्वारा ही जारी है वो किया गया है। इसके देखो ईट राइट इंडिया कैंपेन के 2 पार्ट हैं, एक तो था ईट हेल्दी कि भाई जो खा रहे हो आप हेल्दी खाओ, दूसरा जो भी खा रहे हो वो सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपकी हेल्थ वगैरह को नुकसान पहुंचे। तो UPSC ये पूछ सकती है एक तो कि जो ईट राइट स्टेशन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, या फिर गवर्नमेंट का जो कैंपेन था ईट राइट इंडिया कैंपेन मूवमेंट था उसमें सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा इंक्लूड किया गया। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के तौर पर नवाजा है, पुरस्कृत है वो यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। देखो यह जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है यह जारी किया जाता है एक एनवायरनमेंट का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है जर्मन वॉच, तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी है वो किया जाता है। इस इंडेक्स में 1999 से लेकर 2018 तक के डाटा को यूज है वो किया गया है, और उससे ये चीज़ सामने आई है कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट से इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित कंट्री है वो है जापान, इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिलीपींस रही है 2018 में, और फिर रही है जर्मनी। मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइमेट का बुरा प्रभाव वो जापान पे पड़ रहा है, इसके बाद में फिलीपींस पे, और इसके बाद में जर्मनी पे, और चौथा नंबर यहाँ पे दिया गया है मेडागास्कर का, और इंडिया का नंबर है 5वां कि इंडिया है वो 5th नंबर पे मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज को लेकर।
अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट की तो ये देखो सबसे आश्चर्यजनक फैक्ट यह है कि 2017 में जो इंडिया की पोजीशन थी ना वो थी 14th रैंक पे, जबकि 2018 में इंडिया की रैंक है वो सीधी आ गई 5th नंबर पे। मतलब इंडिया है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर देखा जाए तो सबसे वर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इतना ज़्यादा जो डिक्रीज है लेवल में कि आपकी 14th रैंक थी और उसके बाद में आप 5th रैंक पे आ गए हो क्लाइमेट रिस्क को लेके, मतलब हमारे देश में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कौन से एरिया में पड़ रहा है वो हम देखते हैं। देखो इंडिया में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो देखने को पड़ रहा है, एक तो वाटर शॉर्टेज, पानी की बहुत कमी रहती है, इसी के साथ ही क्रॉप फेल्योर। आप देख सकते हो कि अभी ओनियन है प्याज के कैसे भाव बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम प्याज की फसल थी वो इस बार बर्बाद हो गई थी। और इसी के साथ ही फ्लड वगैरह आती है काफ़ी एरिया में, तो आपने देखा था इस बार काफ़ी एरिया में या इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में फ्लड आई थी, तो उससे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के बारे में। क्या है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल? देखो न्यूज़ ये आई थी कि जो ये ड्रिंक वगैरह बनाती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर आप बोल सकते हो एल्कोहल बनाने वाली कंपनीज हैं, इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर न्यूज़ यहाँ पे आई है कि भाई बाहर से इम्पोर्ट वगैरह वो किया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक जो आप बोल सकते हो सप्लाई है वो इनफ नहीं है इन कंपनियों के लिए। देखो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल है वो है क्या। देखो ये एक बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। एक बार हमने पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि शुगर इंडस्ट्री में जब गन्ने के रस को हम मतलब गर्म करते हैं तो वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है मोलासेस, कुछ गाढ़ा रंग का काले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ था, और उसी से बनता है ये हम बात करें तो न्यूट्रल एल्कोहल। इसमें एल्कोहल की 95% मात्रा है वो होती है, कलर ट्रांसपेरेंट होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, बट 95% से ज़्यादा इसमें एल्कोहल होता है और एल्कोहल की सबसे प्योर फॉर्म होती है, मतलब इसमें प्योर एल्कोहल होता है, कोई भी अशुद्धि है वो कुछ भी नहीं होती है। और जो एल्कोहल बनाने वाली कंपनीज हैं उनके लिए मेन रॉ मटेरियल है, मतलब एल्कोहल बनाने के लिए आपको पता है कि एल्कोहल जैसे कि कोई भी ड्रिंक बना रही है एल्कोहलिक ड्रिंक, तो उसके लिए एल्कोहल ज़रूरी है, तो उनके लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है न्यूट्रल एल्कोहल। तो अभी इसकी डिमांड है वो बढ़ रही है। देखो ऐसा नहीं है कि केवल एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मतलब जो हम बात करें तो बेवरेज बनाती हैं कंपनीज इन्हीं में। इसके अलावा देखो हम परफ्यूम वगैरह हम यूज़ करते हैं, डीओ हुए, स्प्रे वगैरह हुए, या फिर जो और कॉस्मेटिक आइटम्स हैं इनमें मेडिकल सेक्टर में भी इसका यूज है वो बड़े तौर पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एल्कोहल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि एल्कोहल के अंदर कोई भी चीज़ है ना वो आसानी से घुल जाती है। देखो जिस तरीके से ये थिनर वगैरह यूज़ किया जाता है पेंट वगैरह में, ये इनमें भी एल्कोहल ही होता है, तो इसकी ये अच्छी बहुत प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज़ इसमें ईजिली है वो घुल जाती है। तो इसका मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री लेवल में भी और भी काफ़ी सारे सेक्टर में यूज है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एल्कोहल बनाने में ही इसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब जो ड्रिंक वगैरह होती है वाइन वगैरह में। फिर यहाँ पे देखो दिया गया कि कलरलेस होता है, फूड ग्रेड एल्कोहल होता है, और कोई भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है वो नहीं होती है, स्मेल है वो नॉर्मल होती है, कुछ कोई ऐसी नहीं कि बहुत तीव्र या तीखी स्मेल होती है। 95% इसमें एल्कोहल की मात्रा होती है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। यूज़ कहाँ पे होता है? मेडिकल सेक्टर में भी, या एल्कोहल जो बेवरेज कंपनीज हैं वहाँ पे, परफ्यूम हुआ, इसके साथ हेयर स्प्रे, डीओ वगैरह बनाने में इसका यूज है वो होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है मेट्योर मिसाइल के बारे में। देखो मेट्योर मिसाइल इंडिया है ना कहाँ से मतलब परचेज कर रहा है, इंडिया इनको परचेज कर रहा है फ्रांस से, ये आप ध्यान रखना कि इंडिया फ्रांस से इनको परचेज कर रहा है। इंडिया ने राफेल कहाँ से परचेज किया है? फ्रांस से, तो वहीं से इनको परचेज है वो किया जा रहा है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। देखो एक तो यह है अगर हम बात करें तो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, मतलब 150 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है, और अगर 60 किलोमीटर में कोई भी टारगेट होता है तो उसके बचने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, मतलब 60 किलोमीटर तक तो परफेक्ट टारगेट होता है कि कोई भी चीज़ है वो बच नहीं सकती इनकी रेंज से। एयर टू एयर मिसाइल है ये ध्यान रखना, मतलब किसी भी हेलीकॉप्टर या जो भी फ्लाई आप बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट है उससे इसको लॉन्च किया जाएगा, एयर टू एयर अटैक है वो करती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब होता है? मतलब आपको जो दिखाई दे से, मान लो कि जो भी इस प्लेन में बैठा है एयरक्राफ्ट में जो पायलट है इसको दिख भी नहीं रहा टारगेट, तब भी इसको लॉन्च है वो किया जा सकता है और परफेक्ट निशाना है वो लगता है, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। देखो स्टार्ट का मतलब है यहाँ पे स्टैटिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी सबसे पहले स्टार्ट आई थी अगर हम बात करें तो 1991 में। 1991 में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी भाई? इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे। खैर इसके अलावा वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा चेंजेस वो भी यह था कि जो कोल्ड वॉर था ना वो ख़त्म हो गया था एक तरीके से। तो जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था इसके बाद में यूएसए और यूएसएसआर, यह हम बात करें आज का जो रसिया है, इसके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी।
तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच में थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइन हुई थी कि भाई आपके पास जो भी वेपन है ना इनको रिड्यूस करना है और इनकी संख्या में कमी लानी है, लिमिट रखनी है कि भाई आप 1500 ज्यादा नहीं बनाओगे और इनकी एक लिमिट रहनी चाहिए, ताकि आप ऐसा नहीं है कि एक वो हथियार बनने की होड़ होड़ है वो चल जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो आपस में एक होड़ चल गई थी यूएसए में और यूएसएसआर में कि दोनों कंट्रीज हैं वो दनादन वेपन बनाना शुरू कर दिया था। तो इस हथियार रेस को रोकने के लिए ट्रीटी साइन हुई थी, उस टाइम पे थी स्टार ट्रीटी। अब देखो इसका एक सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है, न्यू स्टार ट्रीटी। तो यह जो ट्रीटी है वो फोर्स में आई थी 5 फरवरी 2011 में, और अभी देखो यह ट्रीटी खत्म होने वाली है 2021 में। तो इसी को लेकर बाद न्यूज़ आई है कि भाई इसको वापस से रिन्यू है वो कर देना चाहिए, ताकि 2026 तक आगे चले और जो रसिया और यूएस में टेंशन है फालतू में वेपन बनाने की वो कम हो जाए। मैंने जैसे कुछ फेक्ट थे वो आपको बता दी। देखो ये नंबर रटने की जरूरत नहीं है कि भाई कितने वेपन आप बना सकते हो, वॉरहेड वगैरह, ये कुछ इतना काम का नहीं है। बस यही इंपॉर्टेंट है किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, क्या इसका सीन है। ऐसी ही एक ट्रीटी और है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जिसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF। ये न्यूज़ में भी इसलिए थी कि भी कुछ टाइम पहले ही यानी कि अगस्त 2019 में यूएसए ने इस ट्रीटी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। यूएसए ने कहा कि भाई यूएसएसआर इस ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करने वाले, तो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। ये ट्रीटी भी फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में आई थी, वो थी कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे। इसको वैसे साइन किया गया था 1987 में यूएसए और जो सोवियत यूनियन है उसके द्वारा साइन इसको किया गया था। इसका फोकस क्या था वो ध्यान रखना, इसका फोकस ये था कि जो मीडियम और जो शॉर्ट रेंज के बेस जो लैंड मिसाइल, मतलब जो जमीन से छोड़ी जाने वाली जो मीडियम और शॉर्ट रेंज की जो भी मिसाइल है ना, उनको आपस में आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, उनको और ज़्यादा आप एक्सपेंड है वो नहीं करनी है। देखो तो लिखा हुआ बाकायदा कि डिस्ट्रॉय मीडियम एंड शॉर्ट रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन, मतलब जो न्यूक्लियर वार हेड ले जाने वाली शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिसाइलें हैं लैंड बेस्ड, उनको आपको डिस्ट्रॉय करना है, उनको आगे आपको डेवलप नहीं करना है। बट 2019 में यूएसए ने इससे हाथ खींच ली, तो अभी थोड़ी कॉन्ट्रावर्सी है वो चल रही है। तो ध्यान रखना किस किस के बीच में है ट्रीटी है। ये थी आज की हमारी न्यूज़, अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने टाइफून साइक्लोन के बारे में जाना, फिर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं फीचर्स सारे कवर किए, इसी के साथ हमने वर्ल्ड सोयल डे के बारे में जाना, फिर हमने ईट राइट स्टेशन और ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में कवर किया, फिर हमने जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है इसके बारे में डिस्कस किया कि किसके द्वारा जारी किया गया है और इंडिया के क्या हाल है, फिर हमने मेट्योर मिसाइल के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने यहाँ पे देखा INF या इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के बारे में, और एक थी स्टार्ट ट्रीटी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।